हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका युगराज एजुकेशन हब में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। और ऐसा ही पैटर्न, ऐसे ही क्वेश्चन और ऐसा ही लेवल आपके एयरफोर्स के एग्जाम में रहेगा, जो भी आपने 16 सितंबर से तक होने वाला है। 14 से 16 सितंबर के बीच आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और देखें कि आप कितने नंबर अचीव करते हैं 20 क्वेश्चन में, और वैसा ही स्कोर आपके एयरफोर्स के एग्जाम में रहेगा। उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं जिन्होंने कोई भी एस की पब्लिकेशन या रियन पब्लिकेशन की पीडीएफ बुक जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था नहीं मिली है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। वहाँ से जाइए, आपको वेबसाइट खुलेगी, वहाँ से आप जो भी पीडीएफ है आप देख लीजिए कौन कौन सी पोस्ट है वहाँ पर, वो पीडीएफ देख लें एस के की, अरियंत की। और जिन भी लोगों को कोई भी बुक परचेस करनी है, मतलब जिनके पास जो हॉस्टल में रहते हैं या जिनके पास कोई ऐसा स्टोर नहीं है जहाँ पर मिल सके कोई बुक बेटर, तो वहाँ पर मैं आपको अमेजोन के बुक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ कुछ, जहाँ से आप जैसे एस के की हुई, अरिहंत की हुई, एनडीए का पैथफाइंडर है, फिजिक्स की है, मैथ की है, किरण इंग्लिश की है, कुछ बुक्स हैं जहाँ से आप परचेस भी कर सकते हैं और अच्छे दामों में। तो आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। अब आता है अपना पहला क्वेश्चन, कॉमन एरर। आज अपना पहला क्वेश्चन कॉमन एरर से रहेगा, तो जल्दी से पढ़ लीजिए। द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। जिन्होंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक पढ़ा है उनको तो आसानी से आ जाएगा कि इसमें एरर क्या है, और यह बहुत इजी कॉमन एरर है। तो इसका राइट आंसर है सीनरीज नहीं होगा, कभी भी पोएट्री, सीनरी, ट्रैफिक इनमें नहीं करते हैं, जैसे ज्वेलरी है तो सीनरी ही राइट आंसर, इसका सीनरीज नहीं होगा। यहाँ पर सीनरीज इसको पार्ट एक में एरर है। अब चलते हैं दो नंबर क्वेश्चन की तरफ, कॉमन एरर। ठीक है, इट इज ए डेजर्ट प्लेस, तो इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए। इट इज ए डेजर्ट और शेयर जरूर कर दीजिए अपने एक फ्रेंड्स तक। डेजर्ट यहाँ पर एरर, डेजर्ट नहीं आएगा, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। हमें बताना है कि यह प्लेस वीराना है, तो यहाँ पर आपको करनेगा डेजर्टेड, इसके लास्ट में ई डी एड करना पड़ेगा, आपको एड करना है ई डी। ठीक है, आज हो गई है 11 जुलाई, बारिश का मौसम है और अभी मेडिकल भी होने वाला है 14 जुलाई को, देखेंगे कैसा होता है। आपको ज़रूर रिव्यू दूंगा मेडिकल का, कैसा मेडिकल हुआ, क्या आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। ही वॉज ओब्लाइज टू रिज़ाइन, आपको यहाँ पर क्या कहना, पेसिव वॉइस, पहले देख लें कि पेसिव में एक्टिव में, पेसिव वॉइस देखना है यहाँ पर। तो जल्दी से अपना आंसर चूज कर लें। तो पहले तो बता दूं कि ये पेसिव में है, आपको इसको एक्टिव में बदलना है। कैसे पहचाने, वोज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो इसने यूज की हुई है, आई एन जी कहाँ गया भाई, आई एन जी है नहीं, तो यहाँ पर पेसिव में है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा राइट आंसर, इसका राइट आंसर थर्ड नंबर है, कि यहाँ पर हमें ये सर्कमस्टांसेज लाना होगा, फिर ओब्लाइज्ड हिम टू रिजाइन, इसे आप कैसे बना सकते हैं, देखिए ही वॉज ओब्लाइज्ड टू रिजाइन, सर्कमस्टांसेज हटा दिए, जैसे समवन समबड़ी उठाते हैं उसी तरह सर्कमस्टांसेज बढ़ा देंगे। अब आते हैं अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ, चार नंबर इसमें ऑप्शन नहीं आया, चलिए इसको तीन में करते हैं। राहुल सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर, तो जल्दी से अपना आंसर देख लें कौन सा इसका राइट आंसर है, सिंपल वाक्य है। तो देखें आपको किस तरह की पीडीएफ चाहिए, वो देखिए मोस्टली मैं पीडीएफ नहीं करवा सकता प्रोवाइड, क्योंकि हम आपको जानते हैं कॉपीराइट या नकल हम किसी भी बुक की नहीं कर सकते, उसकी वजह से कोई मुझे हर्जाना भी देना पड़ सकता है, केस भी हो सकता है मुझ पर, तो हम किसी चीज़ की नकल नहीं कर सकते। तो राहुल सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर, तो इसी कारण मैं पीडीएफ अपलोड नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए आपको अमेजन का लिंक दे रहा हूँ, अच्छे दामों में आपको मिल जाएगी बुक। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, इसका राइट आंसर, क्योंकि राहुल साइड यहाँ पर दैट यूज़ कर देंगे, आई को बदलेंगे फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, ही यहाँ पर विल को वुड में बदल देंगे, विल डू इट नाउ को देन में बदल देंगे, और नेवर को हम किसी में चेंज नहीं करेंगे, तो इसका राइट आंसर थर्ड नंबर हो जाएगा। द फर्नीचर ब्लैंक टू बी डिलीवर्ड टू डे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी कह सकते हैं, टेंस का भी कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो इसमें इज आर हैव वर्ब में से क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्योंकि फर्नीचर सिंगुलर है, चाहे फर्नीचर्स हम मोस्टली यूज करते ही नहीं है फर्नीचर्स, तो कुछ ही कंडीशन में फर्नीचर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर फर्नीचर है तो ये इज ही रहेगा, हमेशा सिंगुलर रहता है फर्नीचर। ऐसे कुछ वाक्य और हैं उनके बारे में कभी डिस्कस करेंगे, हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई फेल्ट एज इफ द ग्राउंड वर ब्लैंक बेनिथ माई फीट, कि मैंने महसूस किया कि जमीन है वो मेरे पैरों के तले से खिसक रही है। मुहावरा भी है पैरों तले जमीन खिसकना, तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, स्लिपिंग, सिंकिंग, स्मैशिंग या क्रम्बलिंग। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बता देता हूँ अभी, तो जितनी बढ़िया प्रिपरेशन कर सकें, मतलब ये आपको एंटोनियम सिनोनियम आते हैं तो आसानी से हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है स्लिपिंग, फिसलना, ठीक है, खिसकना या फिसलना। प्रीपोजिशन, एक एक प्रीपोजिशन नहीं दो करेंगे आज इसमें हम, इसका बेनिफिट भी मिलेगा। वी मस्ट अवेल आवर सेल्वेज, अवेल के साथ आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज करनी है, ब्लैंक दिया हुआ है। एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स आवर वे, तो यहाँ पर भी ब्लैंक है, तो कम्स के साथ और अवेल के साथ आपको प्रीपोजिशन यूज करनी है। जल्दी से अपना आंसर देखें, तो इसका राइट आंसर है ऑफ या इन। अवेल के साथ ऑफ होता है, ठीक है, अवेल के साथ हमेशा ही ऑफ लगेगा, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। और कम्स इन आवर वेज, हमारे रास्ते में कौन सी ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है जो हमारे लिए उपलब्ध है, ठीक है। अब आता है बड़ा ही बेस्ट एग्जांपल, माय बुक इज द न्यू वन, ब्लैंक इज द टोल्ड वन। यह है प्रोनाउन का, प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक ही ऑप्शन है दोनों, ठीक है। जल्दी से अपना आंसर चूज करें, योर द बुक ऑफ योर, योअर्स द बुक, द बुक्स ऑफ योर। तो यहाँ का राइट आंसर योअर्स, क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन है जिसमें योर प्लस नाउन जुड़ी हुई है, जब इसको दोनों को जोड़ देते हैं तो ये योर्स बन जाता है, मतलब योर यहाँ पर योर्स लिख देंगे तो ये योर बुक हो जाएगा, योर बुक इज द टोल्ड वन, माई बुक इज द न्यू वन, ठीक है। अब आता है भाई डिग्री से, एडजेक्टिव से। देर वर टू स्मॉल रूम्स इन द बीच हाउस, ब्लैंक सर्व एज द किचन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है द स्मॉलर ऑफ विच, दूसरा है द स्मॉलेस्ट ऑफ विच, और तीसरा है द स्मॉलर ऑफ देम, और चौथा है स्मॉलेस्ट ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से देख लें कि कौन सा होगा, कि दो में से हमें एक को लेना है जो कि किचन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, द स्मॉलर ऑफ देम, ठीक है, दो में से स्मॉलर ऑफ देम। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक यू लीव नाउ यू विल बी लेट। तो पहला ऑप्शन अनटिल, दूसरा टिल, तीसरा अनलेस, चौथा ऑल्थो। यहाँ पर आपको कंजेक्शन फिलअप करना है कि भाई यहाँ पर कौन सा कंजेक्शन आएगा। पहला तो ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस के साथ हम मोस्टली यूज करते हैं अनलेस। अब आप इसको वाक्य का भाव भी देखना है, नेगेटिव भाव पहले वाक्य में आएगा, आप यहाँ पर टिल तो ऑल्थो तो यूज कर नहीं सकते, अनटिल यहाँ पर टाइम के लिए यूज करना होगा, लेकिन हम ये भी यूज नहीं सकते क्योंकि फ्यूचर का वाक्य है, तो फ्यूचर में अनलेस यूज करना होगा, अनलेस यू लीव नाउ, अगर तुम अभी नहीं मतलब लीव करते हो, छोड़ते हो, तो यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे ही, नेगेटिव सेंटेंस लेना है आपको। 11 नंबर क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन टैग की तरफ बढ़ते हैं, द होटल वॉज नॉट टू एक्सपेंसिव, क्वेश्चन टैग में आप देखना है क्या आएगा। तो जल्दी से अपना राइट आंसर चूज करें, तो बस आपको तीन ही चीज़ें लगनी है, सेम टेंस, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और कंट्राडिक्टेड फॉर्म यूज़ करनी है, और थोड़ा सा सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, बस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉज इट, कैसे, वाक्य नेगेटिव में तो पॉजिटिव में बनाएंगे, सेम टेंस रखेंगे तो होटल क्या है, सब्जेक्ट इट यूज़ करेंगे ना, कि यहाँ पर द होटल करेंगे, वॉज द होटल नहीं करेंगे, वॉज इट इसका राइट आंसर है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेनवोलेंस सैनोनियम देखना है, बेनवोलेंस का मोस्टली ईजी आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हार्ड चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हार्ड प्रैक्टिस सेट में हार्ड भी डाल दूंगा, लेकिन वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ कहते हैं भाई हार्ड है, आप डीमोटिवेट कर रहे हो, नहीं भाई मेरा इरादा कुछ नहीं है, ईजी दे दूंगा तो आपको ही नुकसान है। बेनवोलेंस का देखना है आपको, राइट आंसर हो जाएगा काइंडनेस, बेनवोलेंस को होता है मतलब दया, ठीक है। मोरबिड मोरबिडिटी होते हैं मृत्यु दर, इलविल होती है बुरी, मतलब बुरी इच्छा या जो भी होता है, विजन होते हैं दृष्टि। अब एरोगेंट का देखना है एंटोनियम, ठीक है, पहला ऑप्शन फेवरेबल, दूसरा इलिट्रिएट, तीसरा है डेंड, और चौथा है हम्बल। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, और अब हमें देखना है कैसा पोलाइट नंबर जो घमंड ना करे, इसका राइट आंसर है हम्बल, हम्बल, ध्यान रखिएगा बड़ा अच्छा वर्ड है हम्बल। अब आता है वन वर्ड, ठीक है, टफ टिश्यूज इन द जॉइंट्स। तो इस बार एग्जाम हार्ड होने वाला है, देख लीजिए भाई, इजी होगा तो वही मेरिट की प्रॉब्लम है, तो हार्ड होगा तो मेरिट लो जाएगी लेकिन आपके नंबर नहीं आएंगे, तो जितना हार्ड तैयारी करोगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा। टफ टिश्यू जो जॉइंट को जोड़ते हैं, मतलब एक हड्डी को दूसरी जोड़ हड्डी को जोड़ने वाले जॉइंट्स क्या होते हैं, एयरफोर्स के एग्जाम में पहले आया हुआ था 2016 के एग्जाम में,
16 के, ठीक है 17 या 16 के एग्जाम में था। तो इसका राइट आंसर लीगामेंट, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला तंतु होता है लीगामेंट होता है, जो टिश्यूज को एक दूसरे से जोड़ता है। अब आता है सबसे अच्छा क्वेश्चन अपना PQRS का, ठीक है। तो PQRS में आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए सिर्फ, आप व्हेन दे हियर द बेल, जब उन्होंने घंटी सुनी, आउट ऑफ हिज क्लोथ्स अपने कपड़ों से बाहर आ गए, एज क्विकली जितना जल्दी, एवरी बॉय स्क्रैम्बल्ड प्रत्येक लड़का स्क्रैम्बल करता हुआ, एंड गोट इन टू बेड अपने बेड में चला गया, एज पॉसिबल जितना जल्दी पॉसिबल संभव हो सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन, RPSQ। तो व्हेन दे हियर द बेल एवरी बॉय स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ हिज क्लोथ्स एंड एंड गोट इन टू बेड एज क्विकली एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये था इसका राइट आंसर 4th नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, आपका इनमें से सही वर्ड कौन सा है, करेक्टली सही देखना है आपको, तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। तो नॉलेजेबल का देखना है आपको राइट आंसर, तो जल्दी से अपना आंसर चूज कीजिए, इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट 15 मिनट का होता है, शायद आपके 20 मिनट का आएगा, 15 मिनट में कर लेते हैं तो भी आपको वहाँ पर प्रॉब्लम होगी, बता देता हूँ, वो टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा। तो इसका राइट आंसर नॉलेजेबल। देखिए भाई, पैसेज आप पढ़ सकते हैं, पैसेज पर मेरा इतना फोकस नहीं है, मैं आपको नहीं इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला हूँ, केवल आंसर बताऊँगा, आप इसे पढ़ लीजिए पूरा, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए। मेथड्स एडोप्टेड बाई, क्योंकि टाइम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता आपको बिल्कुल भी, वास्को डी गामा ने कौन से मेथड एडोप्ट नहीं किए थे, तो पहले तो आपको पैसेज दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरिज, 3rd नंबर। 2 नंबर में क्या होता है, क्योंकि इसने जो पोर्ट है वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें वो कैरी करता था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन देख लीजिए, अब ऊपर ले जाता हूँ आपको मैं, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं, पॉज कर लीजिए वीडियो को बीच में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, रूबी स्पीसीज पर्ल सभी कार्य करता था, ये करतार पब्लिकेशन से SSC नहीं है, बाकी सभी क्वेश्चन SSC के एग्जाम में आए हुए हैं। वास्को डी गामा कौन था, बिना देखे ही करेंगे तो पोर्तुगीज था पहला ऑप्शन। हु वॉज द प्रेस्टर जोन, प्रेस्टर जोन कौन था, पूरा पैसेज पढ़ लीजिए प्रेस्टर जोन के बारे में, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो प्रेस्टर जोन नॉट क्लियर फ्रॉम द पैसेज, हमें नहीं पता है पैसेज में कौन है प्रेस्टर जोन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, वेबसाइट को जरूर देखिए।